Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Hope so you all are doing good. Today's video is about free education in Italy and also the scholarship opportunities. और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे लेना है और फिर आप लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है. तमाम स्टेप्स मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताऊंगा और वीडियो देखने के बाद आप लोग इजीली इटालियन यूनिवर्सिटीज और स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे. And before we start the today's topic, if you haven't subscribed to my YouTube channel, then don't forget to subscribe so you won't miss any upcoming scholarship guideline and free education. And watch the video till the end ताकि आप लोगों को तमाम procedure समझ आ जाए और Italian universities में आप लोग easily admission ले सकते हैं. और मैंने तमाम steps इस video में बहुत clearly explain किए हैं जिसमें आप लोगों का eligibility criteria क्या होना चाहिए, IELTS ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, उसके बाद आप लोग अप्लाई कैसे करते हैं, आप लोग डॉक्यूमेंट्स कैसे सेंड करते हैं, आपने यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और उसके बाद क्या करना है, इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है, देन स्कॉलरशिप्स के लिए कैसे अप्लाई करना है. तो ये तमाम स्टेप्स मैं आप लोगों को आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. फॉर बैचलर्स आप लोगों के 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए और उसमें आप लोगों के एटलीस्ट 60% होने चाहिए. अगर आप लोगों के 58 या 59% भी हैं तो आप लोगों को इटालियन यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगी. आप लोगों के एटलीस्ट 60% होने चाहिए. एंड फॉर मास्टर्स सेम, आप लोगों का 60% 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में 60% आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आइल्स ज़रूरी है या नहीं. तो आइल्स आप लोगों को इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ज़रूरी नहीं है, ना ही बैचलर्स के लिए और ना ही मास्टर्स के लिए. लेकिन फॉर वीज़ा एप्लीकेशन आप लोगों के पास आइल्स मस्ट होना चाहिए और आइल्स में आप लोगों का बैंड एटलीस्ट 6 होना चाहिए और 6 बहुत इजीली आ जाता है. अब हम बात करते हैं कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कैसे करते हैं. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. तो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आप लोग इंडिविजुअली यूनिवर्सिटीज़ अपनी सेलेक्ट करेंगे कि आप लोगों ने किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है. तो वो आप लोग देख सकते हैं कि आपने मेजर्स किस में करने हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी वो मेजर ऑफर कर रही है. तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं. तो वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आप वो अपलोड करते हैं. तो डॉक्यूमेंट्स आपको पता है कुछ कॉमन से होते हैं, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, CV और मोटिवेशनल लेटर और ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स. वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने के बाद, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ फ्री भी होती हैं, लेकिन कुछ की फ़ीस भी होती है. तो आप लोग वो फ़ी भी पे करते हैं जो कि आप एडमिशन फ़ी या रजिस्ट्रेशन फ़ी कह सकते हैं. और ये जब आप लोग अप्लाई कर देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का विदिन 2 वीक्स और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का विदिन 2 मंथ्स आप लोगों को प्री इनरोलमेंट लेटर रिसीव हो जाता है. और जब आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से प्री इनरोलमेंट रिसीव हो जाती है, तो उसके बाद एक इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट है universitari.com, वो आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. आप उस वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाते हैं. अकाउंट बनाने के बाद अपने आप तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप लोग वो प्री इनरोलमेंट जो आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से रिसीव हुई है वो अपलोड करते हैं. ये सब अपलोड करने के बाद आप तमाम आप यूनिवर्सिटी टैली पे अकाउंट बना के उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं. डॉक्यूमेंट्स के साथ आप प्री इनरोलमेंट्स अपलोड करते हैं. तो ये सब करने के बाद यूनिवर्सिटी टैली वो डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट आपकी यूनिवर्सिटीज़ को भेज देती है. तो यूनिवर्सिटीज़ वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद एम्बेसी को भेज देती हैं डायरेक्ट आपके डॉक्यूमेंट्स. और इस सब प्रोसीजर में 1 से 2 महीने लग जाते हैं. तो आप लोगों ने इन 1 या 2 मंथ्स में क्या करना है, इसमें आप लोगों ने अपनी मोफा से रजिस्ट्रेशन करा लेनी है, बोर्ड से अटेस्टेशन करा लेनी है, आप लोगों ने अपना आइल्स प्रिपेयर कर लेना है और आप लोगों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेनी है. तो विद इन 1 or 2 मंथ्स आप लोगों को प्री इनरोलमेंट समरी रिसीव हो जाएगी. वो समरी लेकर और प्लस डॉक्यूमेंट्स लेकर आपने एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी है और अपॉइंटमेंट लेकर आप लोगों ने वहाँ पे एम्बेसी में वो तमाम डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं. मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों को प्री इनरोलमेंट समरी रिसीव होती है universitari.com की वेबसाइट पे. वहाँ से आप वो समरी लेते हैं प्लस आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके आप लोग वहाँ पे एम्बेसी जाके आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं. और कराची वाले जेरीज या RFS में अपॉइंटमेंट लेते हैं और जबकि जो पंजाब के हैं वो इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं. ये जो आप लोगों को प्री इनरोलमेंट समरी रिसीव होती है, ये इसका मतलब होता है कि आपको एडमिशन मिल चुका है. इसमें और कुछ नहीं होता कि आपको एडमिशन लेटर सेपरेट से आएगा, ये प्री इनरोलमेंट समरी ही आप लोगों का एडमिशन होती है. तो इसके बाद ये रिसीव होने के बाद आप वीज़ा और DOV दोनों के लिए सेम टाइम पर अप्लाई करते हैं. और इसी दौरान जब आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे एम्बेसी में सबमिट कर आते हैं, तो इस टाइम ही आप लोग स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं. डिपेंड्स कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है, तो आप स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई करते हैं.
प्री एनरोलमेंट समरी रिसीव होने के बाद आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है किसी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, तो जब आप वीज़ा और डीओवी के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो आप लोग वो उनको अपनी स्कॉलरशिप भी दिखाते हैं कि मुझे स्कॉलरशिप रिसीव हुई है, प्लस आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट मस्ट है। लेकिन अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है तो भी बैंक स्टेटमेंट मस्ट है आप लोगों के वीज़ा के लिए। और अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली तो आप लोगों को जब वो प्री एनरोलमेंट सेंड करते हैं तो उस टाइम वो आप लोगों को एडमिशन फ़ीस भी बता देते हैं कि एडमिशन फ़ीस क्या होगी। तो एडमिशन फ़ीस जो एक अप्रॉक्सीमेटली टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ की होती है, फॉर इंजीनियर्स तो उनके लिए 500 टू 700 यूरोज़ होती है फॉर वन ईयर। तो ये ऑलमोस्ट बनता है पाकिस्तानी 130 टू 140 के, और आई थिंक 130 या 140 के पाकिस्तानी रुपीज़ फॉर वन ईयर इन इटली इज़ ऑलमोस्ट फ्री। और वो भी आप लोग पार्ट टाइम जॉब्स करके अर्न कर लेते हैं इजीली अपनी अकोमोडेशन और अपने लिविंग एक्सपेंसेस और अपनी ये जो फीस होती है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं, लेकिन अभी कोविड की वजह से स्कॉलरशिप्स काफ़ी कंट्रीज़ में डिस्टर्ब हुई हुई हैं। लेकिन नॉर्मली आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं, और एटलीस्ट इतनी तो मिल ही जाती हैं कि आप लोगों की ट्यूशन फ़ी 50% या 100% ऑफ हो जाती है। लेकिन इनकेस अगर आपको नहीं भी मिली तो आप लोगों को पाकिस्तानी 130 के या 140 के पूरे साल की इटालियन यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी। और वहाँ पे आप लोग पार्ट टाइम जॉब भी इजीली कर सकते हैं और वहाँ से आप इजीली अर्न कर सकते हैं। और एक पॉइंट ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की प्री इनरोलमेंट फ़ीस होती है जो कि ऑलमोस्ट 200 यूरोज होती है, और वो आप लोग पाकिस्तान से सबमिट करें ये ज़रूरी नहीं है, आप लोग इटली जा के भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग पाकिस्तान से ही कर दें तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन। लेकिन अगर आप लोग वो इटली जा के भी सबमिट करते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि 80-90% स्टूडेंट्स इटली जा के ही सबमिट करते हैं तो उनको वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सबमिट कर दें तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। तो एक स्टूडेंट की जो ओवरऑल कॉस्ट होती है इटली पहुँचने में, पाकिस्तान से लेकर इटली पहुँचने में, उसमें आपका एयर टिकट और सब कुछ इंक्लूड करके 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इतने में ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 2.5 से 3 लाख में आप लोग इटली पहुंच जाते हैं, प्लस आपका ये इसमें एयर टिकट भी शामिल होता है इस 2 से 3 लाख में। और ये कोविड सिचुएशन थोड़ी कम हो जाए तो आपको स्कॉलरशिप्स भी इजीली मिल जाती हैं। आप लोग जब ये डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट कर देते हैं तो आप लोगों को वो एक स्लिप दे देते हैं कि अगर आप लोगों का हमने इंटरव्यू लेना हुआ तो हम आप लोगों को कॉल करेंगे और मे बी हम आप लोगों को डायरेक्ट वीज़ा दे दें। और ये अगर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करते भी हैं तो इंटरव्यू मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यू में वो मोस्टली मोटिवेशनल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो वो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप इटली क्यों जाना चाहते हैं, आप वहाँ क्यों पढ़ना चाहते हैं, जस्ट कुछ मोटिवेशनल क्वेश्चंस पूछते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को कभी डीओवी पहले रिसीव हो जाती है और कुछ स्टूडेंट्स को वीज़ा पहले रिसीव हो जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को तमाम स्टेप्स क्लियर होंगे, और मैं विद इन 1 मिनट अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आप लोग यूनिवर्सिटी से प्री इनरोलमेंट लेते हैं, वो प्री इनरोलमेंट लेने के बाद आप लोग यूनिवर्सिटी टैली भी अपना अकाउंट बनाते हैं, वहाँ उस अकाउंट में आप अपनी प्री इनरोलमेंट अपलोड करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, यूनिवर्सिटी टैली आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में भेजती है, यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में भेजती है, और एम्बेसी जब आने के पहुँच जाते हैं तो आप लोग एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को एडमिशन लेने का। बाकी जहाँ तक स्कॉलरशिप्स की बात है, तो स्कॉलरशिप के लिए भी कुछ स्टूडेंट्स डिटेल्ड वीडियोज़ का कहते हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं मैं उस पर जल्द एक वीडियो बनाऊंगा। और मेरे कुछ फ्रेंड्स मास्टर और पीएचडी इटली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स में, तो मैं आप लोगों तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके साथ एक इंटरव्यू कर लूं, तो जिसमें मैं उनसे तमाम स्कॉलरशिप्स के बारे में पूछ लूंगा और वो मैं फिर वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, उसमें आप लोगों को स्कॉलरशिप की भी तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। होपफुली कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगेन एट दी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो यू वॉन्ट मिस एनी स्कॉलरशिप गाइडलाइन एंड फ्री एजुकेशन गाइडलाइन। Take care and see you in my next video.